समयुग्मकी और विषमयुग्मकी। तो शैवालों में ऐसा पाया जाता है कि जो मेल होता है और जो फीमेल होता है उनके जो युग्मक होते हैं यानी गैमेट इंग्लिश में कहते हैं। युग्मक का मतलब आप इस तरह समझिए, जैसे इंसानों में पुरुष में युग्मक हम शुक्राणु को कहेंगे और स्त्री में युग्मक जो है हम अंडाणु को कहेंगे, तो इनको युग्मक कहते हैं। तो वैसे ही शैवाल की बात हो रही कि शैवाल में जिनमें युग्मक समान हो, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि शैवाल में जो नर है वो इस तरह का युग्मक निकाल रहा है और जो मादा है वो इस तरह का निकाल रहा है, तो दोनों जो है सेम है, स्ट्रक्चर इनका सेम है, तो जब समान है इसी को समयुग्मकी कहते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह से दोनों देखिए सेम है, मान लीजिए स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस स्थिति को भी समयुग्मकी कहेंगे, तो इस स्थिति को भी समयुग्मकी कहेंगे। वहीं पर विषमयुग्मकी क्या है, जब नर युग्मक छोटा हो और साथ में वो सक्रिय हो, एक्टिव हो, और जो मादा युग्मक हो वो बड़ा हो, तो उस स्थिति को विषमयुग्मकी कहेंगे। यानी नर युग्मक छोटे साइज का दिख रहा है, मान लीजिए ये छोटे साइज का है और ये बड़े साइज का है, तो अब इन दोनों के शेप में अंतर हो गया, तो इस अंतर वाली स्थिति को विषमयुग्मकी कहते हैं। और ये स्थिति स्पाइरोगैरम मिलती है और समयुग्मकी वाली स्थिति यूरोथ्रिक्स में मिलती है, और ये दोनों शैवाल हैं।